बॉलीवुड में ज्यादातर अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो अपने पहले सुहाग यानी कि अपने पहले पति परमेश्वर से इतना प्यार करती हैं कि उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखते हुए और उनकी सलामती की दुआएं मांगते हुए उनके साथ काफी हंसी खुशी और हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं बॉलीवुड में ऐसी भी कई अभिनेत्रियां हैं जिनके एक नहीं बल्कि दो दो सुहाग रहे हैं, जिनके साथ इन अभिनेत्रियों का कभी खुशी कभी गम वाला रिश्ता रहा है। पर शायद ही आप सभी उन अभिनेत्रियों और उनके दो दो सुहागों के बारे में जानते होंगे, इसीलिए आज हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके एक नहीं बल्कि दो दो सुहाग रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। पर एक पर है दीपशिखा नागपाल। रिश्ते जैसी फिल्म में नजर आ चुकी अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल के एक नहीं बल्कि दो दो सुहाग रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इनके पहले सुहाग यानी कि इनके पहले पति का नाम जीत उपेंद्र है, जिनसे इन्होंने साल 1997 में शादी की थी। पर 10 साल बाद और दो बच्चे होने के बाद इन्होंने अपने पहले सुहाग को छोड़ दिया, जिसके बाद इन्होंने साल 2012 में केशव अरोड़ा से शादी की, पर उससे भी इन्होंने साल 2012 में डिवोर्स ले लिया है। नंबर दो पर है अर्चना पूरन सिंह। PDLJ और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में नजर आई अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह ने भी एक नहीं बल्कि दो शादियां की हैं। जी हां, आपको बता दें कि इनके पहले सुहाग के साथ इनकी शादी ज्यादा चल नहीं पाई थी, जिसके बाद इन्होंने साल 1992 में एक्टर परमीत सेठी से शादी की, जो कि इनके करंट सुहाग बने हुए हैं, जिनके साथ ये काफी खुश हैं और आज इनके दो बड़े बड़े बेटे भी हैं। नंबर तीन पर है फरहा नाज। बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री फरहा नाज ने सबसे पहले साल 1996 में एक्टर बिंदु दारा सिंह से शादी की थी, जो कि इनके पहले सुहाग थे। पर इनके अच्छे रिश्ते अपने पहले सुहाग के साथ ज्यादा नहीं रहे, जिसके चलते इन्होंने बिंदु दारा सिंह को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद इन्होंने एक्टर सुमित सहगल से साल 2003 में शादी की, जो कि इनके करंट और परमानेंट सुहाग हैं, जिनके साथ ये काफी खुश हैं। पर चार पर है किरण खेर। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री किरण खेर ने साल 1979 में बिजनेसमैन गौतम बेरी से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा भी हुआ। पर जब अनुपम खेर इनके दोस्त बनकर इनकी जिंदगी में आए तो ये धीरे धीरे अपने पहले सुहाग को भूलती चली गईं और अनुपम खेर से शादी करने के लिए इन्होंने अपने पहले पति को तलाक दे दिया, जिसके बाद इन्होंने अपना दूसरा सुहाग बनाया अनुपम खेर को, जिसके साथ ये आज भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। पर पांच पर है नीलम कोठारी। हम साथ साथ हैं फिल्म से मशहूर हुई अभिनेत्री नीलम कोठारी ने साल 2000 में बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की थी, जिसके चलते वो इनके पहले सुहाग हुए। पर इनकी इस शादी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं निकली और दोनों का जल्द ही डिवोर्स हो गया, जिसके बाद अभिनेत्री नीलम ने अभिनेता समीर सोनी से शादी की और उन्हें अपना दूसरा सुहाग बनाया, जो कि आज भी इनके सुहाग बने हुए हैं, जिनके साथ ये काफी खुश हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री के दोनों सुहाग पसंद आए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।